हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी नंबर, जो क्वेश्चन नंबर वन में नंबर्स गिवन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कोई भी नंबर, ये सब सारा नंबर जो दिया हुआ है वो मेरा क्या दिया हुआ है, लार्ज नंबर दिया हुआ है, क्योंकि जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है वो पॉइंट में दिया होगा, ये मेरा लार्ज नंबर है। तो लार्ज नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे वन का बी ले लेते हैं, 35 लाख है, तो 35 लाख को हम लोग लिख सकते हैं, इसको 35 इंटू जीरो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 to the power 5 लिख सकते हैं हम लोग, 10 to the power 5, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 35 into 10 to the power 5, ये तो मेरा हो गया, ये हम लिख लिए। अब इसके बाद हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी नंबर एक डिजिट के पहले पॉइंट होना चाहिए। तो कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट ही रहता है, जैसे 3.5 रहता है, तो हम पॉइंट रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे 10 होता है, यानी इसको क्या लिखेंगे, 35 by 10, यानी कि देख रहे हैं कि पॉइंट बैठाने के लिए हम लोग क्या करें, 10 से डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर हम 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जैसे इस नंबर में हमें पॉइंट बैठाना है 3 के पहले, 3 के बाद पॉइंट दिखा, पॉइंट बैठाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के पहले पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, तो 3.5 लिखेंगे, यानी 10 से हम डिवाइड, जैसे हम 35 को 10 से डिवाइड करें तभी यहाँ पर पॉइंट उठेगा। अगर 10 से डिवाइड करें तो 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ पे 10 to the power 5 पहले से है, तो इस नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, 3.5 लिख सकते हैं इंटू 10 to the power 5, और यहाँ पे देख रहे हैं बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी 10 to the power 6। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं 35 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 3.5 × 10 to the power 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10 to the power 6। वैसे ही ए नंबर में मेरा पॉइंट में दिया हुआ है 57.36, ये दिया हुआ है, यहाँ पे तो पहले से ही पॉइंट है, तो अब एक डिजिट के पहले हमें यहाँ पॉइंट करना है, तो हमें क्या करना, पॉइंट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तब एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 10 से डिवाइड करें तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.736। हम लोग एक डिजिट इधर बढ़े, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10 का पावर 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दूसरा, अगर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, 2 का 1 में, 2 में कह रहा है राइट इन यूजुअल फॉर्म में, अब ये सब सारा मेरा किस में दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो 2 का A ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 3.74 × 10 to the power 5, तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 to the power 5, यानी 3.74, 50 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 and 50। यहाँ पे पॉइंट कितना डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे हम लोग पॉइंट देते, और पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3.74000। ये हो गया मेरा यूजुअल फॉर्म में, यानी जो हम मल्टीप्लाई करके जितना डिजिट के पहले पॉइंट होगा उतना डिजिट के पहले पॉइंट देके 0 को हटा देंगे, ये मेरा यूजुअल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, द हाइट ऑफ ए माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट जो दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट दिया हुआ 8848 दिया हुआ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, 8.843848 × 10 to the power क्या हो जाएगा, 3, यानी 10 डिजिट के पहले हम बताए तो 10 to the power 3 meter, ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, द स्पीड ऑफ लाइट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 3 के पहले कोई नंबर है नहीं, तो हम लोग 3 के पहले पॉइंट बैठाएंगे तो 0 का वैल्यू नहीं होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी क्या लिखेंगे, 3 × 10 to the power 8 meter per second, ये मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट स्टैंडर्ड फॉर्म में। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इतना मीटर, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ द अर्थ दिया 5.97 × 10 to the power 24 kg,
एंड मास ऑफ मून दिया हुआ है 7.35 × 10^22 kg। अर्थ और मून का मास दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ टू, दोनों को टोटल मास क्या हो, मास क्या होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.97 × 10^24 प्लस 7.35 × 10^22 kg, दोनों को kg हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 10^22, यहाँ से भी 10^22 कॉमन ले सकते हैं। 22 कब आएगा, जब 10^24 को हम लोग लिख सकते हैं 10^2 × 10^22, ये लिखेंगे तो 2 + 24 हो जाएगा, तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.97 × 10^2 × 10^22 ये हो गया। और दूसरा मेरा नंबर क्या दिया हुआ है, 7.35 × 10^22 ये हो गया, कितना केजी दिया हुआ है। अब 10^22 हम लोग कॉमन, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो 10^2 यानी स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.97, तो 00 जो आएगा वो 00 मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट गया, 20 अगर मेरा मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, इंटू 10^22 प्लस 7.35 × 10^22 केजी। अब 10^22 कॉमन ले लेंगे, 5.97 प्लस 7.35 × 10^22 केजी, ये हम कॉमन ले लिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.35 तो पहले से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 00 है, तो 7 + 7 = 14 का 4 हाथ में बच गया, 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 5 1 6 × 10^22 केजी, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है, तो 0.5 का 1 ले लेते हैं, 0.006 ये है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 0.006 जो है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मेरा कितना जीरो आ जाएगा, 1 पे 3 0 आएगा। अब नीचे वाला इसका पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0., तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 6 हो गया, 6/10^3 लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम लोग कोई भी नीचे जो रहता है, कोई भी नंबर अगर नीचे उसका पावर अगर हम लोग ऊपर ले गए तो उसका क्या होता है, माइनस में लिखते हैं, यानी 10^-3 6 × 10^-3 ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, 0.006 का स्टैंडर्ड फॉर्म 6 × 10^-3। वैसे ही सारा में पॉइंट हटा के हम लोग सारा क्या करेंगे, जो भी 10 का पावर होगा उसको ऊपर ले जाके माइनस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 macaroni इक्वल टू 1 macaroni = 1/10 lakh meter, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10^ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10^6 यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10^-6। साइज ऑफ बैक्टीरिया भी दिया हुआ है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। थिकनेस ऑफ पेपर दिया हुआ है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ 7 का, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है हमें, ए में लिखा हुआ है 2.06 × 10^-5, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0.2.06 × 10^-5, तो पॉइंट अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ नीचे मेरे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 206 × 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10^-5। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10^206 × 10^-5 × 10^-2, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगा मेरा, ऐड हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 206 × 10^5 + 2 मेरा 7, और साइन जो होगा वो क्या होगा, माइनस का, यानी इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो गया, 206 × 10^-7। क्वेश्चन नंबर 7 को ऐसे ही पॉइंट हटा के हम लोग यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे।